Sir, I am done with my preparation, but still I am not getting good score in the CET examination. This is what the kind of a question coming from the student side. कि सर पूरी पढ़ाई हो गई है बट स्कोर नहीं आ रहा है मॉक में, और पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि मॉक में स्कोर क्यों नहीं आ रहा है. सो ऑल दी एस्पिरेंट दोज आर टारगेटिंग फॉर द सीईटी, चाहे आप लॉ सिटी 3 ईयर्स लिख रहे हो, चाहे आप 5 ईयर्स, चाहे एमसीए सीईटी, एमबीए सीईटी और बीएड सीईटी, अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके हिसाब से आई कीप ऑन मेकिंग द वीडियोज एंड ट्राई टू हेल्प यू पीपल सो दैट एग्जाम तक आप सारी मिस्टेक सही कर लो आपकी. ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपका स्कोर मॉक में नहीं आ रहा है, पूरी पढ़ाई हो गई है आपकी. तो ठीक है, तो सबसे पहले दिल पे हाथ रख के, सर पे हाथ रख के या गीता पे हाथ रख के, जहाँ पे भी रखना है, अपने आप से ये पूछो कि आपने मॉक सीरियसली लिखा था क्या. मतलब जो आप मॉक लिख रहे हो वो आपके एक्चुअल सीईटी एग्ज़ाम का मॉक है. दिस इज़ माई रियल सीईटी एग्ज़ाम. ये प्रेशर में आपने मॉक लिखा था क्या? अगर नहीं लिखा था तो पहली गलती है आपकी, है ना. When you are writing the mock test, आपके अंदर वो सीरियसनेस होनी चाहिए. बेडरूम आपका लॉक हो, पानी का बॉटल लेके रखो, रफ पेपर आपके साथ होना चाहिए, और आपको मतलब हाँ भाई सेक्शन में इतना टाइम डिवोट करना है, सेक्शन वाली प्लानिंग होनी चाहिए. ये नहीं है तो मतलब आप मॉक का ऑप्टिमम यूज़ कर ही नहीं रहे हो. मॉक एक्चुअली जिसे लिखना चाहिए वो लिख ही नहीं रहे हो. मॉक का लिखने का तरीका गलत है आपका. ठीक है, तो आपका बहुत डिफाइन होना चाहिए सेक्शन वाइज टाइमिंग. अगर मैं लॉजिक में इतना टाइम देने वाला हूँ, इंग्लिश में इतना टाइम दूंगा, और जब टाइम जैसे कि फॉर एग्जांपल 150 मिनट का पेपर है ना, तो आपको पता है 30 मिनट मुझे लॉजिक में देना है, तो वो 30 मिनट के बाद जब घड़ी जो आपकी टाइमर है 120 सेकंड पे आएगी, 120 मिनट पे आएगी जब भी, तब आपको स्विच करना है अदर सेक्शन पे. ये आपको टाइम मतलब ये टाइमिंग डिफाइन करना पड़ेगा. दिस इज़ हाउ वन शुड राइट अ मॉक. आपको पता होना चाहिए टाइम के बाद ये स्विच होगा यहाँ पे, या तो टाइमर आपको दिख रहा है वहाँ पे 120 के बाद यहाँ स्विच होने वाला है, तो मैं टाइमर 120 के बाद मुझे नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच करना है. ये सीरियसनेस, ये प्रेशर के साथ आपको एग्ज़ाम लिखना है. मतलब कि ये मेरा रियल सीटी एग्ज़ाम है, अगर ये नहीं निकला, इसमें स्कोर नहीं आया तो आई विल बी आउट. ये पहले तो सीरियसनेस पे वर्कआउट करो. सेकंड, ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. एक बार प्रॉब्लम मिली तो फिर सोल्यूशन मिलने में टाइम नहीं लगेगा. प्रॉब्लम है क्या? सेक्शन में मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या एक्यूरेसी प्रॉब्लम है. मैं अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ बट मेरे क्वेश्चन राइट ही नहीं हो रहे. मतलब आप अगर एक्यूरेसी प्रॉब्लम है तो फिर आपको वो टॉपिक वापस से पढ़ना पड़ेगा. सिंपल है, ठीक है. या तो फिर मैंने मॉक की एनालिसिस अच्छे से नहीं किया तो वो बड़ी प्रॉब्लम है. अगर मॉक की एनालिसिस अच्छे से नहीं किए तो बिग प्रॉब्लम है इट इज़, बिकॉज एनालिसिस से हमें समझ में आता है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम से हमें मिलता है सोल्यूशन. तो आपने अगर एनालिसिस ही अच्छे से नहीं की, है ना, कौन से जब आप मॉक लिखने के बाद एनालिसिस भी आपकी कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन वाइज एनालिसिस होनी चाहिए, टाइम वाइज एनालिसिस होनी चाहिए, एक्यूरेसी मतलब कितने क्वेश्चन मेरे जेन्युइनली राइट है, ये एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, है ना. एंड वंस यू डन विद योर एंटायर मॉक, डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच यू हैव नॉट अटेम्प्टेड, नंबर वन. सेकेंड, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है यहाँ पे टाइम का लॉस है प्लस मार्क्स का लॉस है, तो यहाँ पे तो सारे क्वेश्चन आपके राइट ही होने चाहिए, ये बड़ा लॉस है. और फिर जो क्वेश्चन राइट है उसमें देखो आपने टाइम सेव किया या ज़्यादा टाइम लगाया, ठीक है. तो ये चीज़ आपको एनालिसिस के थ्रू समझ में आएगी. अगर ये काम अच्छे से कर रहे हो आपका बाय डिफॉल्ट 5-10 मार्क्स आपका इंक्रीज ऐसे ही होने वाला है. ओके, सो दोज यू हैव डन विद योर प्रिपरेशन फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक बार अप्लाई करके देखो. या तो आपका मॉक अटेम्प्ट करने का तरीका चेंज करो. मतलब जो सेक्शन फॉर एग्जांपल आप लॉजिक पहले अटेम्प्ट करते हो, फिर इंग्लिश अटेम्प्ट करते हो, या फिर उसके बाद दूसरा कोई सेक्शन, उसको स्वैप करो, है ना, उसको स्विच करो. एंड ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, कौन से सेक्शन को पहले करना है, सेकेंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा. ये एक बार आपका सेट हो गया, फिर बाकी के मॉक टेस्ट आपको अच्छा परफॉर्म करोगे आप, अच्छा स्कोर बाकी के मॉक में आएगा. तो ये सब R&D का पार्ट है. इट इज़ लाइक अ ट्रायल एंड एरर. जो आपके लिए वर्क करेगा वो आपके लिए बेस्ट है, और ये सबके लिए चेंज होने वाला है. ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ कि यार पहले तो इंग्लिश अटेंड कर फिर उसके बाद लॉजिक करना, तो मतलब वो जरूरी है सबके लिए सूट हो, आपके लिए शायद से वो अलग हो. सो दैट इज़ वाई राइट द मॉक टेस्ट एंड एज पर योर स्कोर, जो आपको ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट जो तरीका आपको बेस्ट लग रहा है, जिससे आपका स्कोर बन रहा है, वो आपके लिए राइट तरीका है. ओके, इतना करने के बाद भी अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम आपके कंसेप्ट में है, आपने टॉपिक सही से नहीं पढ़ा हुआ है. वेरी सिंपल इट इज़. अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब आपका कंसेप्ट पे वर्कआउट करना पड़ेगा. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन द टॉपिक, उसका बेसिक अंडरस्टैंड करो, कंसेप्ट समझो, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड आफ्टर देन डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ द मॉक स्कोर. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दीज गाइडलाइंस, आपको लग रहा है कि कुछ और भी वर्कआउट करके मेरा स्कोर बढ़ गया, या तो और कुछ पॉइंटर्स है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ.
एंड प्रिपरेशन के लिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पार्शली प्रिपरेशन किया आपने, तो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो MSCET को लेके है, फुल कोर्स में आप जाके चेक करोगे, इट इज़ फॉर ऑल द CET एग्जामिनेशन, MBA CET, Law CET, MCA एंड BEd. सो विच एवर CET एग्जाम यू आर टारगेटिंग फॉर, यू कैन विजिट द menuvideo.com/MBA entrance फॉर MBA CET. लॉ के लिए menuvideo.com/law entrance, MCA के लिए menuvideo.com/MCA entrance और BEd के लिए आपका menuvideo.com/BEd entrance. ठीक है, सो ये सारे CET एग्जाम को लेके वी हैव लॉन्च फुल कोर्स, मॉक टेस्ट, बुक, सेक्शनल प्रोग्राम. सो सबके डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो डू रिमेंबर, विदाउट राइटिंग द मॉक टेस्ट डोंट गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन, आपको मॉक लिखना है. ठीक है, सेकेंड इज अबाउट द CET हाइस्ट बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of July. 15 July से CET हाइस्ट बैच सेकेंड चालू हो रही है, 2.0 बैच 1 ऑलरेडी फुल हो चुकी है. तो इसके साथ साथ आपका CET हाइस्ट बैच भी ज्वाइन कर लो, उसके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी डिस्कस. ओके, सो ये नंबर पे कॉल कर लो, आर टीम विल हेल्प यू. ऑल्सो आई हैव मेंशन द CET हाइस्ट प्रोग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल इन द मॉक टेस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.